हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉयलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा वेजिटो शेन नाम के एक वॉरियर के सामने खड़ा हुआ होता है। ये वॉरियर वेजिटो से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे मूव्स को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा था जब तुम उन चारों का मुकाबला कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर देना चाहता हूँ, तुम उन मूव्स का इस्तेमाल मेरे खिलाफ मत करना, क्योंकि वो मूव्स पहले से ही मेरे देखे हुए हैं। तभी वेजिटो इस बात को सुनकर बोलता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, पर तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपना चांस फिर भी लूँगा। जिन टेक्निक्स को तुमने थोड़ी देर पहले देखा, उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने काफ़ी सारे एंजल्स को हराया है, और वही टेक्निक्स काफ़ी सारे एंजल्स के मौत का कारण भी बने हैं, और इन टेक्निक्स ने मुझे पहले भी कभी निराश नहीं किया, और मुझे पता है ये अब भी नहीं करेंगे। तभी इस बात को सुनकर शेन एकदम से रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए। शेन बोलता है कि जो कुछ भी हो गॉड किलर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, और वैसे भी तुम तो हमेशा से ही ऐसे ही रहे हो, तुम्हारे ऊपर वार्निंग का असर नहीं होता। वेजिटो बोलता है कि तुम तो अभी और इस वक्त इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे काफ़ी दिनों से जानते हो। मुझे लगता है कि मेरी लेजेंडरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वो और भी ज़्यादा मशहूर होती जा रही है, इसीलिए मुझे हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमसे पहले भी काफ़ी सारे लोग आए जो कि मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फाइटिंग पोजिशन तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है तुम्हारे साथ लड़के थोड़ा मज़ा आएगा। पर उससे पहले तुम्हारा जो हाथ है तुम्हारे चेहरे के सामने, उसे काटने में ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। वेजिटो ने अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बना लिया होता है, और वेजिटो की तेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वेजिटो की तेज़ी इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो एक ही पल में शेन तक पहुँच जाता है। जैसे ही वेजिटो अपना स्लेयर ब्लेड शेन तक लेकर पहुँचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि शेन एकदम से वेजिटो के अटैक को रोक देता है। शेन काफ़ी आसानी से वेजिटो के अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से वेजिटो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वेजिटो ने उम्मीद नहीं की थी कि शेन उसके अटैक को इतनी आसानी से रोक देगा। शेन सिर्फ वेजिटो के अटैक को रोकता ही नहीं है, बल्कि वेजिटो के ऊपर भी एक और अटैक कर देता है, और शेन के इस अटैक से वेजिटो भी समझ जाता है कि शेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ही शेन के अटैक का इम्पैक्ट वेजिटो तक पहुँचता है, वैसे ही इस अटैक के इम्पैक्ट से वेजिटो हिल गया रहता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था। वेजिटो को शेन कागज़ की तरह उड़ा देता है, और शेन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, और एकदम से वेजिटो ज़मीन के ऊपर से खिसकता हुआ काफ़ी दूर जाकर रुकता है। वेजिटो को जैसे ये हिट लग जाता है, वेजिटो समझ जाता है कि शेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर वेजिटो इस चीज़ को मानता नहीं है। वेजिटो बोलता है कि ये तो एक लकी हिट था। ये बोलते हुए वेजिटो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, और एकदम से वेजिटो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। वेजिटो की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है, और वेजिटो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लकी हिट था, पर तुम्हारे उस हिट के पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत छुपी हुई है। आखिर तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा पा रहे हो, वो भी जब मैं अपने इस फॉर्म में हूँ। पर कोई बात नहीं, वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, पर तुम इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि मुझसे ये बैटल जीत जाओ, पर क्योंकि लिए तुम बाकियों से थोड़े ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी थोड़ी और ताकत दिखा पाऊँगा, और इसका सीधा मतलब ये है कि अब तुम्हें कुछ भी मौका नहीं मिलने वाला है मुझे दिखाने का मेरे दोस्त, और ये लास्ट चीज़ है जो तुम देखने वाले हो अपने आँखों से। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद शेन को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, शेन एकदम से शांत खड़ा हुआ होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो एकदम से हल्का सा सांस छोड़ता है, और वेजिटो को ऐसा करते ही वेजिटो एकदम से अपने फिस्ट को बंद कर लेता है। वेजिटो के अपने फिस्ट को बंद करते ही वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो के पावर अप करते ही वेजिटो के चारों ओर से रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आने लग जाते हैं। वेजिटो के मसल्स फूलने लग जाते हैं। वेजिटो का पावर अप इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस पावर अप का इम्पैक्ट शेन तक भी पहुँच रहा होता है, पर इसके बावजूद शेन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। शेन बोलता है कि तो इसका मतलब रीमैच फिर से होने वाला है। शेन के इतना बोलते ही शेन किसी चीज़ को नोटिस करता है, और शेन एकदम से हैरान रह जाता है। शेन देखता है कि उस तक वेजिटो पहुंच चुका है, और वेजिटो ने अपने हाथ में तीन कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बॉम्ब्स बना लिए होते हैं। वेजिटो शेन से बोलता है कि उस चीज़ को अपने मुँह से उतार के फेंक दो, मैं तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना चाहता हूँ।
ये बोलते हुए वेजिटो उन अटैक्स को एकदम से शूट कर देता है शिन के ऊपर। पर इतने पास से इन अटैक्स को शूट करने के बावजूद वेजिटो का अटैक शिन को नहीं लगता। शिन बोलता है कि ज़्यादा घमंडी बनने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम से शिन अपने आप को नीचे झुकाकर उन अटैक्स को डॉच कर देता है।